सवाल वही है, कई बार तो सोचना पड़ता है कि अगर रोजाना ये बहस की जाए, क्या हुआ, एक बार फिर एक दिन बर्बाद हो गया, नौवां दिन है ये लगातार, लोग देखना भी चाहेंगे या नहीं, सुनना भी चाहेंगे या नहीं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस पर ढक्कन लगाकर इस पूरे मुद्दे को हटा दिया जाए या ये सवाल बार बार उठाया जाए कि आखिर क्यों संसद का वक्त बर्बाद हो रहा है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संजय निरुपम जी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुना देते हैं एक बार राजनाथ सिंह ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। यूपीए सरकार के गृह मंत्री ने जो उस समय स्टेटमेंट दिया था और जो उन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसी एक नई टर्मोलॉजी का इजाद किया था, उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के हाफिज सईद ने भारत सरकार के गृह मंत्री को बधाई दी। दूसरी तरफ आतंकवाद जैसे सवाल पर तो कई लोग यही कह रहे हैं कि क्या सरकार विपक्ष सब हंगामे के मूड में है, कोई भी रास्ता नहीं निकालना चाहता है। संजय निरुपम जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, वेंकैया नायडू का कहना है कि आपने इस देश की संसद को लाचार बना दिया है। बिल्कुल, मैंने भी उनका बयान देखा और सुना, और आपका भी सवाल यह है कि संसद लाचार, कौन जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से इस लाचारी के लिए अगर कोई जवाबदेह है, जिम्मेदार है, तो सरकार है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। विपक्ष छोटा सा सवाल और बहुत ही निर्दोष सा सवाल सामने रख रहा है कि इनकी इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते आप। सरकार को अगर संसद चलानी है, देश चलाना है और सब कुछ स्मूथली चलाना है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले जो दागी मंत्री हैं उनको इस्तीफा दिलानी चाहिए। बार बार बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि नहीं, जो आपका घोटाला, टूची घोटाला, कुलजी घोटाला, कोलगेट घोटाला था, वो ज्यादा गंभीर था, हमारा स्कैम स्कैम नहीं है, ये तर्क नहीं चलेगा। मेरा स्कैम अच्छा है, तुम्हारा स्कैम खराब था, मेरा घोटाला काला है, तुम्हारा, मेरा घोटाला गोरा है, तुम्हारा घोटाला काला है, ये सब तर्क भारतीय जनता पार्टी को चलाने से कुछ फायदा नहीं होगा। आज 2010 से लेकर 2014 के बीच जिन मंत्रियों पे जो आरोप लगे थे, उन आरोपों में क्या मेरिट था, कितना सही थे वो आरोप, ये सब पूरा देश जानता है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह का प्रेसिडेंट सेट किया, एक परंपरा बना के दी कि मंत्री पे आरोप लगेगा और वो तब तक संसद नहीं चलेगी जब तक उस मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, जब तक वो मंत्री जाता नहीं अपने पद से छोड़ करके। तो बिल्कुल उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बगैर हाई मोरल ग्राउंड दिखाए अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलाना चाहिए और संसद की लाचारी खत्म करनी चाहिए। शाहनवाज जी, बाकायदा ट्वीट है सुषमा स्वराज का भी और अरुण जेटली का भी, पहले इस्तीफा फिर बहस, अब यही ये लोग भी वही कर रहे हैं। देखिए, है क्या कि ये 2G स्पेक्ट्रम और कोल घोटाला करके उसकी तुलना सुषमा जी के एक सिफारिश से कर रहे हैं। ये पूरी तरह मेरा घोटाला खराब और इनका घोटाला अच्छा, ये तर्क देने से काम नहीं चलेगा। क्या भारत सरकार के मंत्री को पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोलने का भी अधिकार नहीं है? क्या उनको अपनी सफाई रखने का भी अधिकार नहीं है? वो खड़ी हैं कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपना बयान देंगे, लेकिन कांग्रेस बयान देने के लिए भी राजी नहीं है कि बयान सुना जाए, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि सुषमा जी जब बात करेंगी तो ललित मोदी से रॉबर्ट वाड्रा के रिश्ते, सोनिया गांधी से मुलाकात, प्रियंका गांधी से मुलाकात, ये भी संसद के पटल पर आएगा। इसलिए जानबूझकर कांग्रेस बहस से भाग रही है। कांग्रेस इसलिए नहीं, संसद से नहीं, वो अपना चेहरा बचाने के लिए हंगामा कर रही है कि जब भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर सुषमा जी बोलेंगी कांग्रेस बेनकाब होगी। इनके चेहरे पर जो नकाब पड़ा है और बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं संजय जी, ये स्कैम करने वाले लोग दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। कौन सा स्कैम हुआ है? कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। अपने मुंह से घोटाला करने वाली कांग्रेस कह देगी कि घोटाला हो गया और हम मान लेंगे। शाहनवाज जी, जवाब दीजिए, आपको पार्लियामेंट के फ्लोर पर लगातार नौवें दिन आप भाग रहे हैं। संजय जी, अपनी बात रखने का मौका दीजिए। भाई, मैं बात आप जानते हैं कि जिस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पर चर्चा होगी, शाहनवाज जी खराब हो जाएगी, इसलिए भाग रही है। आप तो मुझे बोलने दो शाहनवाज जी, अब जवाब सुनते हैं। संजय जी, आपकी बात, बोलिए बोलिए जी जी। देखिए ऐसा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार स्वयं कहीं ना कहीं पूरे बहस से बचना चाह रही है, क्योंकि अगर बहस हुई, चर्चा हुई और संसद चली, तो इनके और भी कारनामे खुल करके आएंगे। हमारा कहना यह है कि अगर सुषमा जी को इतना ही बोलना है तो बोलने के बहुत सारे मंच है। वो तो सुबह शाम ट्वीट करती रहती है, ट्वीट करके अपनी बात क्यों नहीं रख पाई आज तक?
और आज तक जो बात रखी है वो मंत्री संसद में नहीं बोलेगा, फिर एक विश्वसनीय क्यों नहीं बन पा रहा है? एक मिनट शाहनवाज रुक जाइए, एक मिनट शाहनवाज, एक मिनट रुक जाओ शाहनवाज, एक मिनट शाहनवाज जी, एक मिनट शाहनवाज भाई, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। जब हमारे जमाने रुके हुए हैं भाई, हम कहां बोल रहे हैं, आपको अपनी आवाज वापस जा रही है कि संसद में बहस कराने की कोई जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट डिबेट। एक मिनट शाहनवाज, शाहनवाज जैसे बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। आप कहते थे पार्लियामेंट डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है, पहले मंत्री को हटाइए उसके बाद चर्चा होगी। आज व्यापम घोटाला, चावल घोटाला, नमक घोटाला, चिक्की घोटाला, डिग्री घोटाला, और सुषमा जी का घोटाला तो इतना बड़ा है, और भारतीय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जब छोटा साबित करने में लगी है, मुझे उनके हालत पे, उनके हालत हो गया, जवाब ले लीजिए। एक सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री हैं, उनकी बेटी उस व्यक्ति के खिलाफ, एक मिनट, एक मिनट शाहनवाज, एक मिनट, एक सुषमा स्वराज ये पूरी तरह निराधार आरोप लगाने का ये मंच नहीं है, ऐसे चैनल आपके निराधार आरोप लगाने का मंच नहीं है। लड़ रहा है अगर आप चावल घोटाला, आटा घोटाला, जब अपने मुंह से घोटाला बोल लेंगे तो काम चलेगा। भगोड़े के खिलाफ ये पूरी तरह निराधार आरोप है, उस भगोड़े को पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोप है, जो पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते तो चैनल का प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। उसकी बात पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए ना, उनके पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए, कांग्रेस एक्सपोज होगी, मोदी के सुषमा स्वराज बेदाग है, विदेश दागदार कांग्रेस, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकती है, साफ है पूरी तरह से। आप क्यों, अगर आप में हिम्मत है तो चलिए पार्लियामेंट मंडे को डिबेट कीजिए, संजय यादव नहीं है, अगर आप में हिम्मत है तो पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए, लेकिन ये जानते हैं कि पार्लियामेंट नहीं, आपने बोल दिया है, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, अन्य दो मेहमान भी है, आप दोनों से निवेदन है, अन्य दो मेहमान भी हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, उन्होंने बोल दिया, शर्मा जी सब पे आपका जवाब लूंगी, उससे पहले एक बार केसी त्यागी और अतुल अंजान जी के पास, एक सेकंड, तीन लोग विपक्ष के हैं, एक ही अलाइन से तीन विपक्ष है, ठीक है, तो तीनों का आरोप सुनिए। अरे आप खुद ही सिखाते थे कि जिस पर जो सत्ता में रहता है उसको झुक कर रहना चाहिए, आप खुद ही सिखाते थे शर्मा जी, एक बार सबकी बात सुन लेते फिर आपका जवाब सब पे लूंगी, आपका जवाब सब पे लूंगी, जल्दी से किसी त्यागी के अतुल अंजान निराधार आरोप लगा रहे हैं, ये मैं ठीक है, ठीक है, वो बात चली गई, दर्शकों को आरोप लगाने का मंच चैनल नहीं है, ठीक है, ठीक है, उस सब पे जवाब दीजिएगा, जितने घोटालों का नाम लिया है अगर आपको लगता है उस पर सब पे जवाब दीजिएगा, किसी त्यागी जी, किसी त्यागी, आ रही हूँ संजय, मैं आखिर में एक लाइन संक्षेप में, मैं आखिर की एक पंक्ति बोलूं, शाहनवाज मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, बोल लीजिए, बोल लीजिए संजय जी, एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, अरे मेरे से बोलने के बाद भी बोलना चाह रहे हैं, मैं त्यागी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की आवाज दबाकर, विपक्ष की बातों को गंभीरता से न लेकर के अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं तो संसद की सरकार भी लाचार हो जाएगी। केसी त्यागी जी, मैं तो अंजना जी के लिए कहना चाहता हूँ, संसद नहीं चलने दे, शाहनवाज जी प्लीज, सर शाहनवाज जी, सर प्लीज प्लीज, केसी त्यागी जी, अंजना जी आप तटस्थ हैं और अपनी तटस्थता कायम रखे हैं, बस मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अटल जी ने 1995 में इस्तीफा मांगते हुए वक्तव्य दिया है, दैट वी डोंट डिबेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिबेट, एक दूसरा, हमारे मित्र जेटली साहब ने कहा है पार्लियामेंट्स जॉब इज टू कंडक्ट डिस्कशंस, बट मैनी ए टाइम पार्लियामेंट इज यूज टू इग्नोर इश्यूज एंड इन सच सिचुएशन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो आपको अपने सवाल का और तटस्थता का जवाब मिल गया अंजना जी, जो नेता सदन है हमारे राज्यसभा में, उन्होंने ही कहा है कई बार ऑब्स्ट्रक्शन करना बहस करने से भी ज्यादा अच्छा होता है, वही कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपके आदर्श अगर यही रहे तो फिर देश किधर जाएगा, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा त्यागी जी, या तो लंजान साहब, ये तो हमारे मित्र हैं 40 साल से, आप 2 घंटे की बात कर रही हैं, शाहनवाज जी इनके नेता 40 साल से हम लोगों के साथ हैं, अतुल अंजान गड़बड़ करें तो हम क्या करें, अतुल अंजान जी बहस नहीं होनी चाहिए, क्या विदेश मंत्री को सदन में बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं अंजना जी कहना चाहता हूँ, नहीं आप ये समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सब बातें कही हैं, हमारे मित्र छोटे भाई शाहनवाज कर रहे हैं, मेरे नेता की याद है, हमारे पास बहुत नेता, हमारे पास इंद्रजीत गुप्ता जैसे भी नेता थे जो एक ही कमरे में रहे और देश के गृह मंत्री भी रहे, तो छोड़िए उन सब की बातों को, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि व्यापम की चर्चा न हो, तो क्या व्यापम में जो 47 आदमी मर गए हैं
उनको मिस्र के पिरामिडों में ममी बनाकर रख दिया जाए? आप इसकी चर्चा नहीं होने देना चाहते। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतने दिन, 7 दिन 9 दिन हो गए, इस देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? वो क्यों नहीं आके बोलते? वो क्यों नहीं चलते? मैं आपसे कह रहा हूं, संसद नहीं चलेगी अगर ऐसा ही रवैया, जैसा आज वेंकैया नायडू जी कह रहे थे कि हमारे पास प्रचंड बहुमत है, ऐसा ही बहुमत, घमंड का बहुमत राजीव गांधी को था, ऐसे ही घमंड का जो है बहुमत जो है वो इंदिरा गांधी को 1971 के बाद था। और अगर इस घमंड का जवाब है, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने सुषमा जी की क्षमा चारों तरफ जल रही है, अगर यही होगा तो मजबूर मत कीजिए कि साल 14 महीने आते आते देश का विपक्ष संसद से इस्तीफा देकर बाहर न चला जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए ये सवाल सुषमा जी का नहीं है, देश के वकार और इज्जत का सवाल है। आपका हिंदुस्तान का एम्बेसडर, हाई कमिश्नर लंदन में नहीं जानता कि वसुंधरा राजे जी ने क्या स्टैंप पर लिख करके हलफनामा दायर किया है? देश के विदेश मंत्री क्या दे रही है? आप किस विदेश मंत्री की, भारत की क्या प्रतिष्ठा है विदेशों में? आप देखिए, बुश साहब आते हैं, कॉन्डोलिसा राइस विदेश मंत्री हैं, उनको लेकर आते हैं, हर भारत में जितने सिग्नेचर हुए उसमें कॉन्डोलिसा राइस की उपस्थिति है। हिलरी क्लिंटन आती हैं, ओबामा साहब लेके आते हैं, हर जगह है। हमारी सुषमा स्वराज 27-28 देश में प्रधानमंत्री गए नहीं, मेडिसन स्क्वायर में 25 MP पार्लियामेंट के अमेरिका के मंच पर मौजूद है, कविता कृष्णमूर्ति का गाना है, देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लाल शॉल पहन के चौथी लाइन में नीचे जनता में बैठी है, यह है विदेश मंत्री हमारी। तो इसकी चर्चा मत कराइए तो ज्यादा अच्छा है, प्रधानमंत्री आए और मुंह खोले। शहरवाज हुसैन साहब, सबका जवाब दीजिए। ये कहां से जवाब शुरू करूं, संजय निरुपम से या तुलंजान जी से, जहां से आपकी मर्जी हो, लेकिन सवाल सारे गंभीर है। जी सच ये जी, देखिए दिक्कत ये है कि संजय निरुपम जी आए, ऐसा ऐसा घोटाला बोला जो कभी सुना नहीं, इन्होंने उठाया, इनके प्रवक्ता ने कभी ये घोटाला वो घोटाला सब 10-20 इन्होंने किए, तो हम पर भी इल्जाम लगा दिया जिसकी चर्चा नहीं, नहीं आपने, त्यागी साहब हमारा घोटाला सुना ही नहीं कि अटल जी ने क्या कहा, जी व्यापक घोटाला सुना ही नहीं, कोई घोटाला नहीं है, आपके टीवी पे बोल देने से घोटाला हो जाएगा, घोटाला सुना ही नहीं कहां पे, टीवी आप टीवी पे बोल देंगे, कोई घोटाला नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, स्कैम फ्री गवर्नमेंट चला रहे हैं, व्यापम में राज्य में भी और केंद्र में भी हुआ, 10 साल से घोटाला जारी है, व्यापम में जांच भी शिवराज सिंह चौहान जी के कहने पर हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, व्यापम में सीबीआई की जांच हो रही है और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के कहने पर हो रही है, एक ही जो लोग शामिल हैं उनके उन पर कार्रवाई हो रही है, आपके कहने से कोई घोटाला होने वाला नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब आप बोल रहे थे तो मुझे कह रहे थे शाहनवाज चुप हो जाओ, शाहनवाज चुप, मैं कह रहा हूँ संजय 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 चुप हो जाओ, मैं भी कहूँ क्या, अब मुझे 20 बार मेरा नाम लेके कह रहे थे चुप हो जाओ, तीन लोगों ने बोला है शाहनवाज जी को जवाब दे लेने दीजिए, सुन लीजिए ना संजय जी नहीं तो तीन लोगों ने बोला है अकेले हैं, जवाब दे, आदत है ये जवाब दे, पाल इसलिए मैंने दे दिया उनका जवाब, वो तो बीच में दोनों लोग संयम रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को संयम कहाँ है जी। दूसरा शाहनवाज जी बोलिए, दूसरा जो इन्होंने अतुल अंजान साहब ने जो याद दिलाया है इंदिरा गांधी वाला घमंड, वो खुदा का शुक्र है कि इंदिरा गांधी वाला घमंड हम लोगों को कभी आएगा नहीं, ना हम लोग उस घमंड में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उस घमंड का इलाज जनता के पास है, हम लोग सर झुकाकर लोकतंत्र में काम करते हैं और नरेंद्र मोदी सर झुकाकर चलने वाले हैं, वो दुश्मन के देश के लिए जरूर सीना तान के रहते हैं, लेकिन देश की जनता के सामने सर झुकाकर चलने वाले वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कांग्रेस के रास्ते पर हम नहीं चलने वाले हैं। त्यागी जी जो हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे अरुण जेटली जी ने क्या कहा, त्यागी जी वो उस वक्त कहा जब जो उस वक्त कहा जब देश में बड़े बड़े स्कैम हो रहे थे, 1,76,000 करोड़, 2 लाख करोड़, और यहाँ पर बिना स्कैम के हमारे ऊपर स्याही फेंकी जा रही है, तो क्या कांग्रेस स्याह हो गई तो उसकी स्याही से हम काले हो जाएंगे? ये होने वाला नहीं है। पार्लियामेंट चलाइए, पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए, अगर आप टीवी चैनल पे त्यागी जी डिबेट कर सकते हैं तो पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं कर सकते? आइए, ब्रेक, वक्त की बहुत कमी रहती है, आप चारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एक लाइन में अपना जवाब दीजिएगा। छोटा सवाल पूछूंगी संजय निरुपम जी, विरोध में हंगामे में अब आपको अपनी ताकत दिखती है, उसकी लत लग गई है?
नहीं, इन सब बातों का जवाब बहुत बार दिया जा चुका है। मैं अतुल कुमार अंजान साहब ने जो विषय रखा है उस विषय पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की खामोशी। जो प्रधानमंत्री पानी पी पी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलते नहीं थे, प्रधानमंत्री को बोलना कि मैं खाता नहीं और खाने देता रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री राजस्थान के घोटाले पे शांत है, छत्तीसगढ़ के घोटाले पे शांत है, मध्य प्रदेश के घोटाले पे चुप है, महाराष्ट्र के घोटाले पे चुप है, अपने मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण के ऊपर चुप है। प्रधानमंत्री की लाचारी है, उन्हें सर नहीं चुका। देश का वीरभद्र सिंह पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया, इन्होंने अभी तक उसको हटाया नहीं। गोवा का कामत सीधे पकड़े गए, अमेरिका के अंदर केस हो गया, पकड़ा नहीं। इनका जो चीफ मिनिस्टर हरीश रावत, उनका पीएस सिंह में पकड़ा गया, इस्तीफा लिया नहीं। वीरभद्र का इस्तीफा लिया गया, सिर्फ पार्लियामेंट टीवी पर बैठ कर प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा। भी नहीं, आपने क्यों नहीं वीरभद्र का इस्तीफा लिया? इनके मुख्यमंत्री हमारे कौन मंत्री हैं जिनका सम्मान हुआ? जयराम रमेश ने दुष्यंत सिंह पर इल्जाम लगाया, 100 करोड़ का मुकदमा किया दुष्यंत सिंह ने जयराम रमेश पर, मानहानि पर। सबूत के साथ हिम्मत है, आप कोर्ट जाइए, आप हमारा एक सम्मान लेके आइए। कंक्लूडिंग लाइन इन दोनों से, एक सेकंड सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, कंक्लूडिंग लाइन जल्दी से। केसी त्यागी जी, शाहनवाज भाई, आपकी पार्टी तो पाकिजा की तरह से व्यवहार किया करती थी, अब इसको उमराव जान क्यों बनने दे रहे हैं आप? चलिए ठीक है, यही सारी चीजें पिछले, बहुत दिलचस्प लाइन कही है आपने, पाकिजा से उमराव जान का मेकओवर हो गया है। अतुल अंजान साहब, अतुल अंजान साहब, एक लाइन में। मैं केसी त्यागी जी की बात से कहना चाहता हूं कि एक शेर कहा था किसी ने कि जब तक पीती थी मीना साथ साथ थी, और पाकिजा बन गई तो खुदा ने बुला लिया। कहीं बिस्मार्क की आत्मा मोदी जी में आए इससे पहले कि मिस्र की ममिया चित्कार करके उठ खड़ी हो, उससे बेहतर है और कि सुषमा जी की क्षमा बुझा दी जाए, और इससे पहले कि पार्लियामेंट के सारे लोकसभा के सदस्य इस्तीफा दे। आज आपने एकदम वामपंथी क्रांतिकारी बात कही है, खुदा करे उसको कोई बुझा नहीं सकता। जल्दी से शालवाल जी, कोई नहीं बुझा सोच के साथ कहा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। वीरभद्र पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया, रिजाइन नहीं कर रहे, लेकिन बड़ा बड़ा प्रवचन यहाँ बैठे हो गया कर रहे हैं, भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन किया था। इसी के साथ हमें आज इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, वक्त की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कई बार लगता है कम से कम बिहार चुनाव तक तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, गतिरोध उसी तरह से बरकरार है, कांग्रेस पार्टी को विरोध करने में अपनी ताकत दिख रही है और बीजेपी को बार बार ललकारने में। आप देखते रहिए।